टी20 वर्ल्ड कप 2022 में साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया है। सुपर 12 के ग्रुप 2 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस हार से जितना नुकसान टीम इंडिया का हुआ है उससे कहीं बड़ा नुकसान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हो गया है। दरअसल अब पाकिस्तान के लिए टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस लगभग ना के बराबर रह गए हैं। इस वजह से जैसे ही भारत हारा लोगों ने ट्विटर पर पाकिस्तान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ट्विटर पर हैशटैग कराची ट्रेंड करने लगा। इसकी वजह है साउथ अफ्रीका की जीत का पाकिस्तान कनेक्शन। भारत की इस हार के बाद ऐसे समीकरण बैठ रहे हैं कि अब पाकिस्तान को टी20 विश्व कप से बाहर होकर वापस लौटना पड़ेगा। ऐसे में वो अब ऑस्ट्रेलिया से सीधे कराची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ट्विटर पर लोगों ने पाकिस्तान टीम से कराची को जोड़कर ढेर सारे ट्वीट्स किए। एक यूजर ने मुन्ना भाई MBBS मूवी के एक सीन का स्क्रीनशॉट लगाते हुए उसमें पाकिस्तानी और टीम इंडिया के प्लेयर्स के चेहरे का कटआउट लगाकर लिखा, फाइनली पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर गया। अन्य यूजर ने लिखा, डियर पाकिस्तान, कराची एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। इसके साथ उन्होंने एक कार्टून इमेज भी लगाई जिसमें इंडियन टीम पाकिस्तान को कराची का टिकट सौंप रही है। विराट कोहली ने इस मैच में फील्डिंग के वक्त एडन माक्रम का एक बड़ा कैच भी छोड़ा जिसकी वजह से भारतीय टीम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एक यूजर ने लिखा, कोहली ने पाकिस्तान को सफलतापूर्वक कराची ड्रॉप कर दिया। एक और यूजर ने हंसता हुआ इमोजी लगाकर लिखा, पाकिस्तानी टीम सफलतापूर्वक कराची रेलवे स्टेशन के लिए क्वालिफाई कर गई है। एक और यूजर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कराची पहुंचने पर एक मजेदार मीम ट्वीट किया। उन्होंने चन्ना मेरे या गाने का स्क्रीनशॉट लगाया जिस पर पाकिस्तानी झंडे दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, पाकिस्तान टीम के लिए कराची फ्लाइट पकड़ने का वक्त आ गया है। मैच की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी, लेकिन लुंगी गेड़ी की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम के बल्लेबाज नहीं चले। टीम इंडिया ने पहले 8 ओवर में ही 4 बल्लेबाज खो दिए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अकेले पारी संभाली और बेहतरीन 68 रन बनाए। लुंगी के अलावा विन पानेल ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। सूर्य के पारी की मदद से टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 133 रन लगाए। स्कोर का पीछा करते साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही। पावर प्ले के अंदर ही हर्षदीप और मोहम्मद शमी ने 3 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को वापस लौटा दिया। हालांकि इसके बाद एडन माक्रम ने डेविड मिलर के साथ मिलकर 76 रन की अहम पार्टनरशिप की और साउथ अफ्रीका के लिए मैच बना दिया। एडन माक्रम 52 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन डेविड मिलर 59 रन ने आखिरी तक खूंटा गाड़े रखा और टीम को जिताकर ही लौटे। साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट बाकी रहते मैच अपने नाम कर लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने, इस वीडियो को शूट किया है आलिश ने और मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।